अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो भाई सारे? यार उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए भाई। वो यार बैक विद अनदर व्लॉग। तो भाई जान, काफी अरसे बाद व्लॉग बनाने का दिल किया, तो मैंने सोचा यार इवेंट्स पे ही व्लॉग बनाता हूँ, तो आज भी एक इवेंट है, आज भी व्लॉग बना ही लेते हैं। आज का सीन ये है कि हम सब जा रहे हैं किला दरावड़। तो किला दरावड़ जा रहे हैं अभी फिलहाल, इधर बेकरी पे हैं, इधर नाश्ते के लिए कुछ ले लें। तो मैंने कहा डायरेक्ट क्या पहले इंट्रो शिंट्रो देना सारा करना, डायरेक्ट रास्ते में इंट्रो बनाएंगे और वहीं से ही व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो बस इंट्रो वगैरह बना लिया है और अब चीजें बोलने से ज्यादा दिखाने पे यकीन करते हैं और सारे चलते हैं, और जो जो सफर में होगा वो सब इस व्लॉग में दिखाया जाएगा। आप लोगों को तो पता है, जब मैंने व्लॉग पहला अपना डाला था तब भी एक सफर से ही डाला था जो फोर्ट मंडू वाला था। तो आज भी अब चैनल पे वेलकम बैक मार रहा हूँ, तो भाई टूर के साथ ही वेलकम बैक मारते हैं। तो भाई चलते हैं, पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं गाड़ी में और सीधा सफर की तरफ। घंटे हो गए मैं सफर करते हुए, 2.5 घंटे के सफर के बाद हम तकरीबन पहुंच गए हैं यहाँ पे। एक पेट्रोल पंप मिला है वहाँ पे, ये इसके पोस्टर भी लगे हुए हैं। क्या नाम है यार, एक तो मैं किले का नाम भूल जाता हूँ। झूठ बोल रहा भाई, पहले भी बीएस वाले पेट्रोल पंप पे थे, अभी वहीं खड़े हैं। झूठ बोल रहा। हाँ, ये मुल्तान में लगा हुआ है ना यार, क्या नाम है ये? जी भाई, जी भाई, जी भाई, यहाँ जाना। हाँ यहाँ जाना है हमने, ये हमारी मंजिल और ये अल्लाह करे ऐसी दिखती हो। अरे वो पहले ऐसी थी, अब वैसे हो गई है। तो रुके हैं यहाँ, थोड़ा मुंह शूद होते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट उधर ही पहुँचते हैं और वहीं पे जाके हम भी पहली दफ़ा देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाते हैं। जिसने नहीं देखा हुआ और जो चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो भाई, हम जल्दी से फ्रेश होकर चलते हैं सीधा किला दरावड़। भाई साहब फाइनली हम पहुंच गए हैं किला दरावड़। ये है भाई किला दरावड़, काफ़ी ज़्यादा कोई 3-4 घंटों के सफ़र के बाद पहुंचे हैं। कोई भावलपुर से ये मुल्तान से भावलपुर और उतना ही रास्ता आगे है इसका ना, भावलपुर तकरीबन 210 किलोमीटर है बड़ा। तो 200 किलोमीटर का सफ़र करने हम करके हम ये देखने आए हैं बादशाह किला। और अभी बस फाद वगैरह तो गए हैं ज़रा हगने, तो अब हम अंदर चलते हैं और अंदर से भी दिखाते हैं कि इसका क्या सीन है और इसकी अंदर हिस्ट्री अगर कोई हुई तो वो भी बताऊंगा। फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम्हारी तरह हूँ मैं भी अंदर जाके देखता हूँ। तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है, ये किले की टॉप है, ठीक है, इससे ऊपर एक जगह है वहाँ ज़रा रश है, तो उधर भी जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से जो यहाँ का गांव है ना, ये बावलपुर का है या जो भी है यहाँ का ना, दिलावर पोर्ट का गांव पूरा नज़र आ रहा है। और यहाँ एक बड़ी सी खाई है जो कि इधर भी पहले किला था, अब वो खाई में तब्दील हो गया है। पर ओवरऑल जगह बहुत अच्छी है, एस्थेटिक है हमारे लिए तो अच्छी है, हमने तो न्यू जगह देखी है, तो इस वजह से हमें फुल एस्थेटिक सी लग रही है। कैसे फाद? एस्थेटिक आ रहा है फाद भी यहाँ पे, एस्थेटिक का 14 आ रहा है। अहमद मज़ा आ रहा है, फुल मज़ा आ रहा है, ऐसे एस्थेटिक पिक्चर्स बन रही हैं अभी। आप चढ़ाई थी, मेरा ख्याल है यहाँ पे ये खड़े होके कोई वो तोपे शोपे लगा कोई जंगी लड़ते होंगे इस जगह पे ना। तो पहले हम उस जगह पे थे वहाँ सामने टॉप पे ना, तो अब हम आ गए हैं इधर। इधर से मैं आप लोगों को सीन दिखाता हूँ इधर का, इधर ये रहा सीन भाई, काफ़ी बहुत ऊपर जगह है, वो ऊँट छोटा सा नज़र आ रहा है। गाड़ी हमने हाँ सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, तो उधर एक मस्जिद है। टाइम बचा तो उस मस्जिद में भी जाएंगे, वरना फिर यहीं घूमते रहेंगे। कैसे भाई? आप
ठीक है, हमने जेलें देखी, हमने और भी चीजें वगैरह देखी, ठीक है, किला देखा, हमने पहाड़ देखे, यहाँ पे पहाड़ तो थे ही नहीं, फोर्ट देखा हमने, ठीक है, और पिक्चर वगैरह बनाई, काफी एंजॉय वगैरह किया। तो अब हो गया है टाइम हमारे जाने का, तो अब हम चलते हैं कुछ खाने पीने। तो मोबाइल की चार्जिंग कम है तो बातें कम और काम ज्यादा, चलो खाने चलते हैं। कोई दो घंटे तो हमें लगे हैं ना वहाँ से, ख्वार होके ढाई घंटे लगे हैं हमें इधर पहुंचने में, हम इधर पहुंच गए हैं। हाँ भाई, ड्राइवर की हिम्मत है, क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ साथ इसको जगा रहे थे बैठ के, और तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो इधर हम पहुंच गए हैं भाई लिब्रा वैली, ठीक है, ये रेस्टोरेंट है, ऑर्डर वगैरह दे दिया है, अभी ऑर्डर भी आ जाएगा थोड़ी देर में, बस अब थक हार के बैठे हैं, खाना शाना खाएंगे। हाँ ये तीन बंदे तो पीछे टून पड़े थे, खाना खाएंगे ना तो थोड़ी एनर्जी वगैरह आएगी। हाँ फिर हो सकता है कि बालपुर किसी, हाँ किसी और जगह जाने का मूड हुआ तो चले जाएंगे, वरना फिर व्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा। बस खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आ जाता है तो फिर आपको खाना दिखाते हैं और हम खाना खाते हैं। भाई जान, फाइनली इतने वेट के बाद सामान आ चुका है, ये कढ़ाई है, रोटी शोटी फुल फ्रेश, और साथ व्हाइट कढ़ाई मंगाई है हमने, और साथ ड्रिंक्स वगैरह है वो भी आ रही है, हमने जल्दी है खाने की, मैंने कहा बस जल्दी का क्लिप बना रहा हूँ और टूट पड़ू इस टाइम भाई, फुल भूख लगी हुई है, खाने पे टूटने लगा हूँ भाई बस। तो भाई साहब खाना शाना मंड लिया, अब जरा एनर्जी भी आ गया वापसी जाने की, दो घंटे का सफर है भावलपुर से वापसी का, तो बस वापसी के लिए निकलते हैं। अब्दुल्ला भाई बिल्कुल भाई, आइए, खाना कैसा था? खाना कैसा था? का खाना था और यहाँ की मैनेजर भी बहुत अच्छी। हाँ जैन भाई ने रिकमेंड किया था, थैंक यू जैन भाई, अच्छा खाना था यार काफी, थैंक यू जैन भाई खाने और मैनेजर के लिए। बड़ा मजा आ गया, ये बंदा गया होता, शादी आई हुई थी इसको अनार के ऊपर बिठा दिया था। मजीद घर चलते हैं और बस सफर के लिए हम निकलने लगे हैं, तो बस जल्दी से निकल पड़ते हैं। भाई जान फाइनली हम लोग आ गए हैं घर, ठीक है, इस टाइम कोई 10 बज रहे हैं, हम सब घर पहुंच गए हैं, गाड़ी वगैरह घर के अंदर खड़ी कर रहे हैं और बिल्कुल हम थके टूटे पड़े हैं, ठीक है, सफर से। तो बस व्लॉग को मैं यही एंड करने लगा हूँ, ज़्यादा कुछ कहे तो भाई यही कहूँगा कि जिसको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर किसी को नहीं पता तो मैंने 30 डे शॉर्ट व्लॉग्स चैलेंज सीरीज शुरू की हुई है, ये उसका लिंक आ रहा है ऊपर, ठीक है, तो जिसने वो सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ काइंडली देख के आओ, 1-1 मिनट के शॉर्ट व्लॉग हैं। तो बस आज के व्लॉग में यहीं तक था, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले व्लॉग में, ओके बाय।